जनवरी को विक्की कौशल की फिल्म उरी और अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बीच तगड़ा क्लैश होने वाला है। दोनों ही फिल्मों के जॉनर भले ही एक दूसरे से हटके हो, लेकिन फिर भी ऑडियंस इन दोनों फिल्मों में से किसे देखे इस सोच में पड़ने वाली है। वहीं हर किसी की नजर रहेगी इन दोनों ही फिल्मों के पहले दिन की कमाई पर। तो आपको बता दें कि ट्रेड एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि उरी फिल्म अपने पहले दिन 5 से 6 करोड़ का कारोबार कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2 से 3 करोड़ रुपए कमाएगी। वैसे आपको बता दें, उरी में विक्की कौशल के अलावा परेश रावल, यामी गौतम, मोहित रैना जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी भारतीय सेना की ओर से 28 और 29 सितंबर 2016 में LOC पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड है। उस दौरान इस सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा पूरे देश में हुई थी। वहीं दूसरी तरफ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिंदगी पर बनी फिल्म है, जिसमें अनुपम खेर ने उनका किरदार निभाया है। और उनके अलावा इस फिल्म में आहना कुमरा, अर्जुन माथुर, सुजेन बर्नेट, अक्षय खन्ना जैसे स्टार्स भी मौजूद हैं। इस फिल्म को विजय रत्नाकर गुट्टे ने डायरेक्ट किया है। वेल, अब ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर विक्की और अनुपम में से कौन बाजी मार जाता है।